हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे F.W. टेलर के बारे में। इनका फुल नेम है फ्रेडरिक विंस्लो टेलर। आपने इनका नाम मैनेजमेंट की लैंग्वेज में कई बार सुना होगा, पर आपको पता है कि ये मैनेजमेंट की फील्ड से नहीं है, ये साइंस की फील्ड से बिलोंग करते हैं। पर इनका नाम हम लोग मैनेजमेंट की फील्ड में क्यों पढ़ते हैं वो मैं आज आपको बताऊँगा। इनके बारे में फुल हिस्ट्री और इनका कंट्रीब्यूशन मैनेजमेंट के अंदर क्या है, आज आपको फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा F.W. टेलर से रिलेटेड। तो चलिए देखते हैं हिस्ट्री ऑफ F.W. टेलर। F.W. टेलर की हिस्ट्री क्या है। ही वॉज बॉर्न इन द ईयर 1856। इनका जन्म जो है वो 1856 में हुआ था इन USA, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इनका जन्म हुआ था सन 1856 में। एंड इन 1878 में ही ज्वाइंट मेडिवल स्टील कंपनी एज अ मैकेनिकल इंजीनियर। ये साइंस फील्ड से थे जैसा कि मैंने आपको बताया, और इन्होंने मेडिवल स्टील कंपनी नाम की से एक कंपनी थी उसको ज्वाइन किया 1878 में। एंड बाई यूजिंग हिज इंजीनियरिंग बैकग्राउंड F.W. टेलर सेट आउट साइंटिफिक स्टडीज़ एंड टेक्निक्स। और अपने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड को यूज़ करके इन्होंने साइंटिफिक स्टडीज़ को जन्म दिया और नई नई साइंटिफिक टेक्निक्स को भी जन्म दिया और बताया उन्हें। ही वॉज प्राइमरी कंसर्न अबाउट द एफिशियंसी ऑफ वर्कर्स। इन्होंने सबसे पहले जो चिंतन किया वो एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स, यानी कि वर्करों की क्षमता को रिलेटेड जो है इन्हें चिंता थी, इन्होंने उसी के बारे में सबसे पहले कंसर्न किया। एंड द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और जो रिसोर्सेज हैं संसाधनों की जो इष्टतम क्षमता है उसको सही से प्रयोग करने की जो विधि है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया सबसे पहले। टेलर्स प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स, टेलर के जो सिद्धांत और जो तकनीकें थीं वर बेस्ड ऑन दी ऑब्जर्वेशन, वो सब उन ऑब्जर्वेशंस पे, उन टिप्पणियों पे आधारित थीं। ही कंडक्टेड इन फैक्ट्रीज, जो उन्होंने फैक्ट्री में कंडक्ट करी थी, जो मेडिवल स्टील कंपनी जो थी उसके अंदर जो उन्होंने ऑब्जर्वेशंस अपनी करी उसके ऊपर जो है सारे प्रिंसिपल, सारे सिद्धांत, सारे नियम और टेक्निक जो है वो सब उसी के ऊपर आधारित थी जो उन्होंने बनाई। वेयर मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, अब वहाँ पर किस किस चीज़ पे उन्होंने बनाई, किस किस मतलब जो उनके प्रिंसिपल थे वो क्या क्या देख के उन्होंने बताया। उन्होंने देखा कि मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन लैक प्लानिंग, मतलब प्रोडक्शन तो हो रही है लेकिन उसमें प्लानिंग नहीं है, प्लानिंग बिल्कुल नहीं है। एंड वर्किंग मेथड्स वर प्लानलेस, और जो काम करने के तौर तरीके थे वो बिल्कुल प्लानलेस थे, मतलब उनका कोई आधार था ही नहीं। तो उसको देख कर उन्होंने ये प्रिंसिपल्स बनाए जो कि साइंटिफिक टेक्निक्स पे बेस्ड है। साइंटिफिक मींस कि जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे आधारित थे, मतलब ऐसे ही मनगढ़ंत नहीं थे कि कुछ भी कह दिया ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं था। उन्होंने बताया और बाकायदा प्रूफ भी किया कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। तो ये थी हिस्ट्री F.W. टेलर की। अब हम लोग देखते हैं कि इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है मैनेजमेंट के अंदर। ही पब्लिश्ड बुक्स एंड रिसर्च पेपर्स, उन्होंने बहुत सारी बुक्स भी लिखी और रिसर्च पेपर भी पब्लिश करवाए। एक्सप्लेनिंग हिज साइंटिफिक व्यू, अपना जो साइंटिफिक व्यू है उसको एक्सप्लेन करते हुए ऑन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, जो इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन है एंड मैनेजमेंट, मतलब साइंटिफिक व्यू को अपने मैनेजमेंट के लैंग्वेज में उन्होंने एक्सप्लेन किया और साइंटिफिक तरीके से बताया और समझाया। बहुत सारी बुक्स पब्लिश करी और रिसर्च पेपर भी पब्लिश किए। सेकेंड क्या है, हिज मेन कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज पब्लिशिंग ऑफ शॉप मैनेजमेंट। उनकी जो मेन खास खास जो कॉन्ट्रीब्यूशन थी वो थी शॉप मैनेजमेंट, ये पहली उनकी पब्लिशिंग थी। पीस रेट सिस्टम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। एंड प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, मतलब जो साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो सिद्धांत हैं वो उन्होंने दिए, चार हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। थर्ड पॉइंट है, टेलर इम्फेसाइज्ड ऑन एडॉप्शन ऑफ साइंटिफिक मेथड्स टू द प्रॉब्लम्स ऑफ मैनेजमेंट, और उन्होंने जो मैनेजमेंट में जो दिन ब दिन आने वाली प्रॉब्लम्स हैं उनको साइंटिफिक मेथड से सॉल्व करने का नियम बताया और तरीके बताए। उससे रिलेटेड उन्होंने प्रिंसिपल्स भी दिए, बहुत सारी टेक्निक्स भी दी और जो आज भी फॉलो करी जा रही हैं।
तो ये थी एफ डब्ल्यू टेलर की हिस्ट्री और उनका कंट्रीब्यूशन मैनेजमेंट के अंदर। तो आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा और एफ डब्ल्यू टेलर के बारे में आपने जान लिया होगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।